श्री सीताराम भगवान की जय, रेवासा धाम की जय, सब संत जनों की जय, परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज श्री जी की जय, श्री गिरधर लाल जी की, परम पूज्य श्री योग ऋषि स्वामी जी की, यहाँ विराजमान सब संतन की, हनुमानगढ़ी वाले पूज्य महाराज जी की, हमारे बड़े ही प्रिय पूज्य श्री इंद्रेश आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी की, सब संत जनों की, राजस्थान के पागलों की, रेवासा धाम की, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जो हमें बोलना था वो हमारे बड़े भ्राता श्री पूज्य स्वामी जी ने बोल दिया है, और निश्चित रूप से हमारे ऊपर पूज्य रेवासा वाले महाराज जी की बड़ी कृपा थी, उनका बड़ा स्नेह है, उनका बड़ा ममत्व था, और हमेशा वो अक्सर मिलते थे तो बालों पर सिर पर हाथ रखकर कहते थे, कहो बब्बर शेर, ऐसे पुकारते थे। तो अंतिम समय का हमको जब नेपाल में थे, तो नेपाल में पूज्य महाराज श्री रेवासा वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ था, वहां पर उन्होंने सिर पर हाथ रखा, बोले कहो बब्बर शेर ठीक हो। तो उनकी वह स्मृति भुलाई नहीं जा सकती। पर सोने का आभूषण अगर टूट जाए तो सुनार अच्छा आभूषण बना करके पुनः लौटा देता है। महात्मा हमारे सनातन धर्म के आभूषण है, और परमात्मा वह सुनार है जो निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप में पुनः वह प्रकट हो करके हम सब पर कृपा करेंगे। लेकिन एक दूसरी कृपा ये हुई, पूरे राजस्थान के लिए ये गौरव मिला कि परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ, और पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी यहाँ विराजमान भय। अब निश्चित है इस क्षेत्र में गौ माता की जय जयकार होगी और सनातन की जय जयकार होगी। तो पूज्य रेवासा वाले महाराज जी को खूब स्मरण कर रहे हैं हम, उनको दंडवत प्रणाम कर रहे, उनकी बहुत याद आ रही है, उनकी उनका स्नेह, उनकी सरलता, उनकी विद्वत्ता, उनकी सहजता। भैया ये वो पीठ है जहां भक्तमाल के आचार्य पूज्य श्री अग्रदास जी महाराज जी ने यहां पर कृपा की, एक ऐसा ग्रंथ हम सबको उन महापुरुष ने दिया भक्तमाल के रूप में, जिसको पढ़कर और सुनकर हम लोगों को संतों के महत्व का पता चल रहा है। ऐसे पूज्य महाराज जी श्री अग्रदास जी की इस पीठ को प्रणाम, पूज्य महाराज जी के चरणों को प्रणाम। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी बड़े भोले हैं, सरल हैं, कभी कभी तो दूर से भोले बाबा लगने लगते हैं, और निश्चित रूप से अब राजस्थान के जितने भी यहाँ पागल विराजमान हैं, सभी महापुरुष विराजमान हैं, निश्चित है अब यहाँ पर सनातन धर्म का पताका और तेज गति के साथ लहरावेगा, और धर्म विरोधियों की ठटरी भरेगी, और हिंदू समाज एक होगा, और जिस दिन जात पात और भेदभाव को मिटाकर हम एक होंगे उसी दिन हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इसी के साथ अब हम पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा है तो हम चल रहे दुबाना, फिर पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा लेकर के हम आवेंगे। देखो आज हम यहाँ जिसको संस्कृत में कहते हैं अतिथि, जिसका किसी को बेराई ना हो राजा में, हमारी जेड सिक्योरिटी को भी नहीं पता बाबू अठे आ गयो, और महाराज जी को भी पता नहीं था, हमारे बागेश्वर जी महाराज जी के मन में कुछ था कि बाबा आ सकते हैं, ये हमको दिल्ली में फेंट गए। तो हमने कहा कहाँ जा रहे हो, बोले नेवासा पीठ। मैंने कहा जाना तो मुझे भी था। तो आज हम इस ए सब बैठ जाओ, इतने पीछे पीछे मैया सब बार बार कह रहे बैठो बैठो बैठो, बैठ जा बैठ बैठ जा नीचे बधारो साहब, नीचे बधारो।
हाँ, अब इतनी समझदारी वाले पान काम पहले कर लेते तो कितना अच्छा रहते। तो सुनो, शांति शांति। तो ये रहवासा पीठ मात्र राजस्थान की पीठ नहीं, यह हमारे सनातन धर्म का महातीर्थ है। देखो, इस स्थान पर पूज्य महाराज श्री से आप कथा सुन रहे हो, कितने महापुरुषों ने कितना तप किया यहां पर, और उन महापुरुषों के तप का ही परिणाम है कि इस युग के हमारे परम तपस्वी, इस युग के हमारे उस ऋषि परंपरा के साक्षात विग्रह हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी का अनुग्रह इस स्थान को प्राप्त हुआ। ये कोई सामान्य बात नहीं है। हम यहां कब आए थे पहले घनश्याम तिवारी जी? तो 8-10 वर्ष पहले हम पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में यहां पर आए, लेकिन एक भगवान का विधान, उसके अनुरूप पूज्य महाराज श्री ने अपनी यात्रा पूरी की जीवन की, और पूज्य महाराज जी को भी नहीं पता था। ये तो घनश्याम तिवारी जी को वो वसीयत सौंप करके चले गए इनके फार्म पे जाके 3 दिन पहले ही। बाद में खोला, उसमें लिखा क्या है, और पूज्य महाराज श्री का कोई स्थान, कोई पीठ, कोई सत्ता, कोई संपत्ति से, कोई इन सब सांसारिक वस्तुओं से, पदार्थों से जिनका कोई अटैचमेंट नहीं है, जिनकी पूर्ण निवृत्ति है, लेकिन पूज्य श्रद्धेय ब्रह्मलीन राघवाचार्य जी महाराज जी के संकल्प को गौरव देने के लिए महाराज जी ने इसे जो पीठ का पीठत्व तो स्वीकार किया, पीठाधीश्वर तो स्वीकार किया है, ये इस क्षेत्र के गौरव की बात है। हम तो आज मात्र इस पीठ को प्रणाम करने, और इस पीठ पर पूज्य महाराज श्री ने जो अनुग्रह पूर्वक एक महान हमारे ऋषि परंपरा के साक्षात मूर्त स्वरूप हमारे पूज्य महाराज श्री को, पूज्य हमारे, हम जिनके साथ एकात्म भाव से जीते हैं, जिनके चरणों में हमारी आत्यंत की प्रीति है, और मुझ सहित इस सनातन धर्म के जितने सन्यासी हैं पूज्य महाराज जी के चरणों में अत्यंत प्रीति रखते हैं। ये कोई इनके मुंह के सामने की बड़ाई नहीं, जब भी मैं पीछे से भी पूज्य महाराज श्री की चर्चा करता हूं, और मैं क्या, हमारे सन्यासियों के सबसे बड़े इस समय के महापुरुष हैं पूज्य गुरशनंद जी महाराज जी, वो भी खुद यहां पर आ रहे हैं 15 तारीख को। तो इतने इस पीठ का ये सद्भाग्य है कि इस पीठ पर, जहां पर हमारे गुरु नानक देव जी महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी पाद चरण यहां पर पड़े, जहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुष, जहां पर हमारे अभी महाराज जी बता रहे थे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, और एक हमारे और बड़े महान आचार्य हुए दादू दयाल जी महाराज, दादू पंत, बहुत ऐसे सिद्ध पुरुष यहां पर आते रहे, और जहां पर आकर के अकबर ने भी पूज्य महाराज श्री की साधना और सिद्धि को प्रणाम किया, और 1400 बीघा जमीन गौ माता की सेवा के लिए बोले, मेरे को यह सेवा का सौभाग्य दो, अर्पित की। आज अभी पूज्य महाराज श्री तो अंत में 2 शब्द बोलेंगे, हम आज भाषण देने नहीं आए, हम आपको खाली प्रणाम करने आए इस पीठ को, और आप सबका ये सद्भाग्य है ऐसे एक ऋषि चेतना युक्त महापुरुष का यहाँ पर, उनका यहाँ पर पूज्य महाराज श्री ने अनुग्रह पूर्वक उनको अपना, अपने संकल्प के अनुरूप यहाँ पर उनको पीठाधीश्वर नियुक्त करके गए। उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने, ये जीवन की यात्रा का एक काल होता है भगवान के विधान के अनुसार, लेकिन उन्होंने जो अनुग्रह किया इस क्षेत्र के ऊपर, हम सब अभिभूत हैं, ऐसे पूज्य पाद चरण यहाँ पर हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे छोटे भाई, हमारे अनुज, हमारे भ्राता, जिनके साथ में पता नहीं हमारे कौन से जुगन जुगन का नाता है, अब ये
मारवाड़ी तो मारी जितनी कोनी जाने पण अपना सनातन धर्मरा गौरव अपना सनातन धर्मरा गौरव हनुमान जी ना मूर्त रूप अने कुछ भी बोलो इनके बारे में तो सब छोटा पड़ता है। आप सब आप हम भी और सब पूज्य महाराज जी सहित सब आपसे बहुत प्रीत करते हैं। देखो ये अभी आप शांति रखो, अभी तो बोला था ना दोबारा डांटना पड़ेगा क्या ना, तो एक एक मिनट हमारे इंद्रेश जी महाराज जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। हमारी उस ऋषि परंपरा के ज्ञान, हमारी वेद पुराणों की परंपरा के बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं। एक दो शब्द आशीर्वाद के उद्बोधन के। राजा रामचंद्र भगवान की, जगत जननी श्री गौ माता की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। महाराज जी ने और हमारे अग्रज भ्राता पूज्य महाराज जी ने सब बात कही दी है, और अभी आपको विलंब भी है रोए तो, लेकिन ज्यादा कहा कहूं, हमारे पूज्य रहवासा वाले महाराज जी आप श्री को एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि प्रथम बार भक्तमाल के व्यासपीठ पर बैठे, और जब व्यासपीठ पर बैठे तो पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद वहां प्राप्त हुआ। जयपुर में महाराज जी आए और महाराज जी ने आकर के, महाराज जी उस दिन श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र चल रहा था और महाराज जी पूरे सुने, जबकि उनको थोड़ी देर में ही जाना था, और जब उठ करके गए तो आकर के बोल के गए, आज हमको आनंद में डुबो दिया। और उस कथाक्रम के कुछ दिन बाद ही महाराज जी का भगवत धाम गमन हुआ। कह के गए थे महाराज जी कि आप रहवासा आना, पर ये इस प्रकार आना होगा। अब इसमें भाव तो महाराज जी ही जाने उनका क्या भाव था, परंतु बस अब यही है कि महाराज जी का आशीष प्राप्त हुआ प्रथम बार व्यासपीठ पर भक्तमाल जी के बैठने पर। उसके लिए महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे पूज्य महाराज जी आज यहाँ विराजमान हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व और इस स्थान का नेतृत्व आप संभाल रहे हैं। निश्चित ही जिस प्रकार महाराज जी हम सब ब्रजवासी इनके अति स्नेही हैं, अति दुलारे हैं, अति प्रिय हैं, ऐसे ही यहाँ आप सब लोगन के भी महाराज जी खूब प्रिय बने, ऐसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम। एक मिनट पूज्य राजूदास जी महाराज दो शब्द आप भी बोल दो। यह हमारे एकदम योद्धा महापुरुष हैं पूज्य बालमुकुंद जी महाराज जी भी और राजूदास जी महाराज, दोनों महापुरुषों के लिए जोरदार अभिनंदन। आशीर्वाद के दो दो शब्द कह के आज के अनुष्ठान को आगे पूरा करें। बोल बजरंगाबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए दास, अब क्या कहें, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी महाराज जी के लिए। जिस प्रकार से आप सनातन सनातन संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व को लेकर पूरे विश्व में सनातन धर्म संस्कृति की ढंग का आपने बजा दिया है, साधु का मन प्रसन्नचित और संत तो सदैव आपके ऋणी रहेंगे। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और आपने जिस प्रकार से हिंदू और नौजवानों को पूरे विश्व में एक मंच पे ला दिया, एक जगह ला दिया। आप देखेंगे मोबाइल पे लोग इधर उधर भागते थे, अब इधर उधर नहीं भागते हैं, अब तो ठठरिये बजती है और कुछ नहीं होती है। तो ऐसे मैं अपने लाडले संतों के प्यारे, जिस प्रकार से पूज्य जगत गुरु जी महाराज जी की सदैव इनके ऊपर स्नेह नेह और कृपा रहती है, इतनी कृपा महाराज जी आपके ऊपर है जिसकी जवाब नहीं, बहुत ही कम होगा। और मैं इंद्रेश जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बाल मुकुंदाचार्य जी को बहुत बहुत स्नेह देता हूँ कि सनातन के लिए ऐसे राजस्थान में रहते रहे। अभी पूज्य स्वामी जी ने कहा कि राजूदास जी तो फायर ब्रांड ही है, लेकिन यहाँ राजस्थान में बाल मुकुंदाचार्य जी भी लगे रहते हैं। महाराज जी आपको याद होगा जब हम लोग गुजरात अहमदाबाद में थे, आप उस समय में पदाधिकारी नहीं बने थे, आप जो है वहां संघर्ष कर रहे थे मंदिरों के लिए और महाराज जी मंच से ललकार रहे थे। मैं पहुंचा हुआ था और महाराज जी ने कहा, अरे राजूदास जी क्या करो, एक आध बाइट तो तुम्हारी नहीं देखा, अरे बाल मुकुंदाचार्य जी के लिए एक आध बाइट तो जारी करो, वो साधु वहां संघर्ष कर रहा है मंदिर के लिए। इस प्रकार से बागेश्वर सरकार निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं।
जिसका सनातन की देन है कि आप आवाज बनकर आगे बढ़ रहे हैं और इस पीठ को तो बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम है और महाराज जी के चरणों में मैं तो महाराज जी का दास हूँ। बड़ी कृपा किया महाराज जी आपने इस दास को अवसर देकर और आपका तो कोई जवाब ही नहीं, एक भी शब्द नहीं है। तो सनातन अभी इन्होंने कहा कि जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और स्वामी जी ने आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी 100 कुछ देश में योग हो रहा है। मामूली बात योग आज से नहीं है, लेकिन जो योग की क्रांति स्वामी जी ने लाई और देखिए प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व को एक मंच पर ला दिया। आप देखो ना थोड़ा सा कोई बात होती है सदन में क्या होता है, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं लेकिन अलग कंट्री की भाषा वो बोल सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा क्रांति लाई है कि बताओ 100 कुछ देश, चाहे वो जिस मत का हो, मतांतर का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, सब के सब एक मंच पर मोदी जी ने लाया। वो स्वामी जी को बहुत बहुत आभार और मैं महाराज जी के श्री चरणों में ये दास दंडवत प्रणाम करते हुए ऐसे ही संतोष अपेक्षा चाहते हैं, ऐसे साधुओं को भी ठीक करते रहे कि साधु आगे क्रांति के लिए कार्य करते रहे। महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री जानकी नाथ भगवान की जय, श्रीमत स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, भक्तमालकार श्री नाभाचार्य जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री रहवासा महाराज की जय, परम पूज्य श्री योग ऋषि जी की जय, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, श्री गिरधर लाल जी की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। हरि शरणम। यह बात बिल्कुल सत्य है कि परम श्रद्धे पूज्य योग ऋषि जी हमारे निमंत्रण पर, हमारे आग्रह पर नहीं पधारे हैं, ये स्वयं अहेतु की कृपा करुणा करके यहाँ पधारे हैं। और श्री जानकी नाथ जी ने और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने ही आपको यहाँ बुलाया। श्री बागेश्वर वाले श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जो हमारे बहुत अधिक प्रिय हैं, हम तो जानकीनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको किसी की नजर गुजर न लगे, ये ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते हुए सनातन धर्म के ध्वज को पूरी धरती पर फहराएं। आपके आने की तो सूचना थी, आपसे बात हुई थी कि आप आ सकते हैं अमुक तिथि में, और श्री इंद्रेश जी का भी पता नहीं था कि साथ में ही आ रहे हैं, तो आज निश्चित भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। और आप सबको गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में आना ही था, पहले बात हुई थी, स्वामी जी से भी बात हुई थी, जब हम वहां मनोरमा गोलोक में थे तो स्वामी जी से बात हुई थी, तो यहां ही भरत चरित्र हो रहा है, तो पथमेड़ा में भी आपकी मंगलमयी उपस्थिति, जानकी नाथ जी के चरणों से पथमेड़ा गोधाम में श्री गोऋषि जी की उपस्थिति, शास्त्री जी की उपस्थिति, इंद्रेश जी की उपस्थिति हुई है, श्री महंत राजूदास जी महाराज की, बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज की, सब की उपस्थिति हुई। अभी भरत चरित्र चल रहा है तो केवल एक पंक्ति हम कहेंगे और उस पंक्ति का आशय यही है कि अपने पूज्य जिसमें प्रसन्न हो छोटों को वही करना चाहिए। इसलिए मन तो बिल्कुल नहीं भरा है, लेकिन हमें पता है आगे की बाध्यता है, समय का वैसे भी अतिक्रमण हो रहा है। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन
कोई जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मना होई करुणा सागर कीजिए सोई करुणा सागर कीजिए सोई करुणा सब हमारे जानकी नाथ जी के ही स्वरूप हैं, आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद जगन्नाथ भगवान की जय। हमारे अयोध्या जी से जगन्नाथ मंदिर वाले महंत जी महाराज, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तिवारी जी, पूज्य रेवासा महाराज जी का जो अगला उत्सव होगा, उस उत्सव में पूज्य स्वामी जी को पूरे थोड़े समय लेकर आना होगा, विराजना होगा, कुछ बच्चों को थोड़े आसन प्राणायाम की भी शिक्षा देनी होगी, और हमारे शास्त्री जी को भी दरबार लगाना पड़ेगा वीरेंद्र कृष्ण जी को, और इंद्रेश जी कथा कहेंगे, हम कथा नहीं कहेंगे, सारे धर्म का संगम हो जाएगा महाराज जी के संकल्प से। कथा इंद्रेश जी कहेंगे, बाकी हम लोग तो आगे पीछे भूलिया करेंगे। पूज्य महाराज जी ने देखो हमारे 17 पीठाधीश्वर हुए, अब 18वें पीठाधीश्वर के रूप में पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, तो 18 पुराणों का ज्ञान पूरा हो जाएगा। पूज्य महाराज श्री ने हमको कहा कि बहुत यहाँ पर आवश्यकता है इस स्थान के जीर्णोद्धार की। मैंने कहा देखो इधर आपके योद्धा घनश्याम तिवारी जी यहाँ पर हैं, और आप इधर से पीछे से पतंजलि योगपीठ साथ में सारा सनातन धर्म का, गौ माता का, जो भी यहाँ पर वेद कार्य ऋषि कार्य चल रहा है, पूज्य महाराज श्री आपको उसकी चिंता नहीं करनी, उसकी चिंता करने वाले सब यहाँ पर हैं। आपका अभयदान। हाँ जरूर, मैं पूज्य राजदास जी महाराज के साथ साथ ही पूज्य रामदेव जी महाराज को चरणों में प्रणाम करता हूँ, बागेश्वर धाम को राजूदास जी महाराज और इंद्रिय सबको प्रणाम करता हूँ। महाराज मैं देखिए आपकी आज्ञा से सूचना दे रहा हूँ कि राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में यहाँ के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जो, 70 संगत में बैठ मारी सुरता, 70 संगत में बैठ मारी सुरता, साँच कमाई जो अष्ट कमल जरी निगाह कर लीजिए, इन काया में अष्ट कमल है जरी निगाह कर लीजिए, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला कहीं जोए दिल मारी निर्भय जो है।
गायिका। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु चरणा में रही जो रे। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, शीतल रही जय। देवासा पीठ की जय। सब संत चरणों की जय। बागेश्वर धाम की जय। इंद्रदेश महाराज की जय। बाल मुकुंद महाराज की जय। और हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जय।